प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8। सबको जय यीशु। आइए हम सभी बीता हुआ महीना अगस्त महीना को प्रभु को धन्यवाद दें। पूरे महीने में प्रभु ने हमारी रक्षा की है, हमारी देखभाल की है, अपने परिवार की देखभाल की है और जो वरदानों से हमको परिपूर्ण किया है उन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए जब हम आज नए महीने की शुरुआत करते हैं, सितंबर का महीना है, प्रभु को इस पूरे महीने को पूरे महीने प्रभु के हाथों में सौंप दें। जो भी कार्यकलाप इस महीने में होने वाले हैं हमारे जीवन में परिवार में, सब प्रभु के महिमा के लिए प्रभु का गुणगान करने के लिए हो जाएं। आज का सुसमाचार में देखेगा जब प्रभु मछुओं को बुलाते हैं, जो मछुआरे मछली पकड़ रहे थे वो कहते हैं चलो मेरे पीछे करो। विश्वास की बात हमारे सामने रखी है। जब सिमोन से कहा गया है जाल गहरे पानी में डालो, यानी प्रभु में गहराई से विश्वास करो, ना कि किनारे से, है ना, प्रभु में गहराई से। शायद सिमोन को बतलाना चाहता था मैं बचपन से आप में विश्वास करते आया हूं और कितना विश्वास करना है। लेकिन प्रभु का वचन को ना टालते हुए सिमोन कहते हैं गुरुवर रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु ये शब्द बहुत जरूरी यहां पे, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। यानी मैं प्रभु में विश्वास करते आया हूं, प्रार्थना करते आया हूं, माला विनती बोलते आया हूं, मैं बलिदान में भाग लेता हूं, उसके बावजूद भी मेरे जीवन में दुख तकलीफ है। प्रभु कहते हैं और गहराई से विश्वास करो, और गहराई से। जी हाँ मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, तब क्या होगा, हमें प्रभु शक्ति देंगे, हमें प्रभु ढाढ़स देंगे, प्रभु हमें भरोसा देंगे और हम क्या करेंगे, प्रभु में जीवन बिताएंगे। जैसे सिमोन ने मेहनत करने पर भी जब उसको कुछ नहीं मिला, प्रभु के कहने पर वो मछली पकड़ पाए, तब प्रभु कहते हैं मेरा पीछा करो। यानी प्रभु के अनुसरण करने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन के जो दुख तकलीफ कष्ट हैं उसको धर किनारे करते हुए आगे बढ़ना है। संत पौलुस आज का सुसमाचार में कहते हैं हम सब कोई प्रभु के हैं, हम सब कोई प्रभु के मसीह के हैं, और मसीह किसके हैं, ईश्वर के हैं। क्या मैं इसको मानता हूं, मैं प्रभु ईश्वर का शिष्य हूं, अनुयायी हूं, भक्त हूं, प्रभु का वचन मेरे जीवन में कितना गहराई से रमता है, क्या वो जीवनदायी वचन मेरे लिए है, राह दिखाने वाला वचन है, शक्ति देने वाला वचन है, शांति देने वाला वचन है, आज हमें पूछना है। आज का सुसमाचार के द्वारा और पहले पाठ के द्वारा हमें यही ज्ञान मिलती है क्योंकि हम सब प्रभु के हैं और प्रभु हमारी क्याल करता है, हम सब प्रभु के हैं और प्रभु हमारी क्याल करता है। प्रभु हम सबको अपने आशीष और कृपा से भर दे। आमीन।